बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से 5 सवाल किए गए। पूछा गया कि जहर किसको कहते हैं? आपने फरमाया, हर वो शय जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो जहर बन जाती है, ख्वाह कुव्वत या इक्तदार हो, अनानियत हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, सुस्ती या काहली हो, अज़्मो हिम्मत हो, नफरत हो या कुछ भी हो। पूछा गया, खौफ किस शय का नाम है? फरमाया, गैर मुतवक्के सूरते हाल को कबूल ना करने का नाम खौफ है। अगर हम गैर मुतवक्के को कबूल कर लें तो वह एक मुहम जुई में तब्दील हो जाता है। पूछा गया, हसद किसे कहते हैं? फरमाया, दूसरों में खैरो खूबी तस्लीम ना करने का नाम हसद है। अगर इस खूबी को तस्लीम कर लें तो ये रश्क और कश्फ यानी हौसला अफजाई बनकर हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। पूछा गया, गुस्सा किस बला का नाम है? फरमाया, जो अमर हमारे काबू से बाहर हो जाए उसे तस्लीम ना करने का नाम गुस्सा है। अगर कोई तस्लीम कर ले कि ये अमर उसके काबू से बाहर है तो गुस्सा की जगह अफुव, दर गुजर और तहम्मुल ले लेते हैं। पूछा गया, नफरत किसे कहते हैं? फरमाया, किसी शख्स को जैसा वो है वैसा तस्लीम ना करने का नाम नफरत है। अगर हम गैर मशरूत तौर पर उसे तस्लीम कर लें तो ये मोहब्बत में तब्दील हो सकता है। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।